न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। देवघर पंचायत वार्ड संख्या 3 से वार्ड मेंबर प्रत्याशी नीरज देवी ने ठोका दाव। जनता और परिवार वालों का मिल रहा है पूरा समर्थन। नीरज देवी को चुनाव चिन्ह गैस चूल्हा छाप मिला है, जिसको लेकर उन्होंने अपने क्षेत्र का भ्रमण कर रही हैं और लोगों से। हाँ बताइए कि आप क्षेत्र में जो चुनाव लड़ रहे हैं, किस गांव से लड़ रहे हैं? मैं देवघर पंचायत से मुखिया डांगा वार्ड मेंबर 3 नंबर से वार्ड सदस्य के पद पे गैस चूल्हा छाप मेरा निशान है। कितना संख्या नंबर है? 3। क्या क्या विकास पूर्व में किए हैं और अभी क्या करना चाह रहे हैं? मैं सबसे पहले तो 9 यहाँ सड़क बनाई हूँ, 2 नाली बनाई हूँ, 7 पानी टंकी, 1 बड़ा पानी टंकी, 60% लोगों को विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, करीब से 40 घरों में शौचालय। लॉकडाउन में गरीब गुरबा को घरों में मैं अपने स्तर से अनाज पहुंचाई हूं, वैक्सीनेशन की व्यवस्था की हूं। अभी अभी युवाओं लोगों के लिए क्या आप नया चीज़ लेके आएंगे गांव पे जो नहीं? कच्ची सड़क में छाई का प्रत्येक छठ में गिरफ्तार की हूं, और अभी अभी जीतने के बाद जितना मेरा सब बाकी है उसको मैं पूरा करूंगी। मतलब अधूरा काम को? हाँ, अधूरे काम को पूरा करूंगी। आप एक महिला है और एक हाउस वाइफ है, घरेलू महिला, कैसे करके समय निकालते हैं इतना काम करने के लिए? तो समय सर निकल ही जाती है, मजबूरी है, बच्चा है, फिर भी हम इतना ये करती हूँ। कितना दिन से सेवा कर रहे हैं? 5 किए हैं पूरे हम अपने ये में। अब जब सब विकास ही कर दिए तो अभी क्या क्या बाकी है क्षेत्र के लिए? अभी सड़क बाकी है, नाली बाकी है, बहुत सारी चीज़ बाकी है। शिक्षा स्वास्थ्य का क्या यहाँ पर असर देखने को मिलता है जो नहीं पहुँचा अभी तक? शिक्षा अच्छी है, मेरा यहीं प्राथमिक विद्यालय में है, हम वहाँ पे भी जाती हूँ, हर एक मीटिंग में वहाँ जाती हूँ, जो कमियाँ होते हैं उसको पूरा करती हूँ, आगे भी करती रहूँगी। स्वास्थ्य में क्लिनिक है क्या यहाँ पर, या एम्बुलेंस की सुविधा है? नहीं नहीं अभी यहाँ नहीं है। स्टेडियम है क्या यहाँ बच्चे लोगों को लेकर खेल? नहीं। तो क्या आपका प्राथमिकता रहेगा कि हम उसको लाएँ? अगर मैं जीत जाऊंगी तो मेरा प्राथमिकता रहेगा कि हम उसको पूरा करूंगी, अगर नहीं भी है तो उसको लेके आऊंगी। जनता के लिए कितना खड़ा उतरेंगे दिन रात सेवा करने के लिए? मेरा तो उम्मीद है पूरा ही कि हर वक्त आप जनता के बीच रहें। जी।